दोस्तों, जब भी हम सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग करते हैं तो हमारे सामने बड़ी समस्या आती है। कोई ग्राहक हमारे पास सीलिंग फ़ैन डाल जाता है तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि मशीन नहीं है। ये जो पंखा होता है, हम पंखे को काट तो लेते हैं, उसमें पेपर भी लगा लेते हैं, लेकिन जब हम उसको बांधते हैं तो हमारे पास मशीन नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में हमको बड़ी दिक्कत होती है। और दोस्तों, हम पंखे को हैंड वाइंडिंग की मदद से रिवाइंडिंग करने की सोचते हैं तो बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे या फिर हैंड वाइंडिंग करने की कोशिश करेंगे। और जब आप हैंड वाइंडिंग करते हैं तो मान लीजिए 12 प्लस 12 का पंखा, यानी कि 12 स्टार्टिंग और 12 रनिंग वाले स्लॉट का अगर कोई पंखा है तो उसमें आपको 12 प्लस 12 24 कॉइल आपको बनानी पड़ेगी हाथ से। और जो 14 का वो होता है उसमें 28 कॉइल बनानी पड़ती है। जो 16 होता है उसमें 32 कॉइल तक आपको बनानी पड़ती है। तो आपको फर्मे की मदद से, इस तरह का जो फर्मा होता है उसकी मदद से आपको बताओ इतनी सारी कॉइल बनानी पड़ेंगी। आप परेशान हो जाओगे। सबसे पहले तो 32 कॉइल आप बनाओगे, मान लीजिए 24 28 या 32 कॉइल जो आप बना रहे हो पंखे के लिए, तो इतनी कॉइल बनाओगे तो उसमें कितने जॉइंट भी होंगे और उसको डालने का लफड़ा कितना ज़्यादा आपका टाइम जाएगा और आप दुखी हो जाएंगे, परेशान दोस्तों आप हो जाएंगे। तो बहुत सारे भाई ये काम कर लेते हैं, बना लेते हैं टाइम, बड़ी बड़ी कॉइलें बना लेते हैं। ओके, तो इस तरह से लंबी कॉइलें बना लेते हैं कई भाई। तो समस्या यही है कि कॉइल बना ली है और फिर आप डालोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। और इस कॉइल को हैंड वाइंडिंग का नुकसान ये भी है कि कॉपर वायर भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। मान लीजिए कोई कंपनी की वाइंडिंग पंखे में आई है सीलिंग फ़ैन के अंदर, उसमें 180 ग्राम तार आया किसी पंखे में, ज़्यादातर यही होता है 170 180 ग्राम 190 भी होता है, तो इतना ही होता है। लेकिन जब हैंड वाइंडिंग करते हैं तो आपका 200 ग्राम से ऊपर चला जाता है, 210 ग्राम 220 ग्राम 230 ग्राम ऐसे, तो आपका 50 ग्राम तार एक्स्ट्रा लगता है जब आप हैंड की वाइंडिंग करते हैं, हाथ से बांधते हैं, क्योंकि आपको कॉइल थोड़ी सी लंबी बनानी पड़ती है। अगर आप कॉइल लंबी नहीं बनाएंगे तो इसमें डलेगी नहीं। और जब मशीन से बनता है पंखा, वाइंडिंग होता है, तो उसमें कॉइल फिक्स होती है, डाई के हिसाब से बनता है तो फिक्स होती है, तार कम ही लगता है। तो आपको सबसे बड़ा नुकसान, दो नुकसान हो गए, आपके टाइम जा रहा है, तो बहुत टाइम जा रहा है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और आपका खर्चा ज़्यादा लग रहा है पंखे में। 50 ग्राम कॉपर, अब कॉपर देख लीजिए 1100 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो ऐसे रेट चल रहा है। तो 50 ग्राम कॉपर आप लगा लो 50-60 रुपये का, तो आपने कुछ में कॉपर लगा दिया, एक्स्ट्रा कॉपर लगा दिया है, ठीक है, जो आपकी बचत थी वो इसमें चली गई। अब बहुत सारे भाई फिर सोचते हैं कि हैंड वाइंड को छोड़ के हम मार्केट में वाइंडिंग करा लेते हैं, पर वो मार्केट की तरफ भागते हैं। तो आ जाओ फिर मार्केट में। मार्केट में आ गए, मार्केट में इस तरह की मशीन होती है पंखे बनाने वाले के पास में, डिजिटल मशीन, ठीक है, ये मैनुअल पर भी होती है, इसकी डाई ऑटो डाई में भी होती है। वो पंखे को लगा देते हैं कागज़ पेपर लगा करके, काट करके, और पहले स्टार्टिंग भरते हैं फिर रनिंग भरते हैं। और आपको पंखा 200 रुपए में, 210 रुपए में, कई भाई 220 रुपए तक भी चार्ज ले रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ चुका है तार महंगा होने के कारण। तो 200 रुपए आप मान लीजिए, 200 रुपए आप उनको दे दोगे, 200 रुपए तो आपने एक पंखा बंधाने का वहाँ पे दे दिया, 50 रुपए आपका बाइक से जा रहे हो तो मार्केट में जाओगे तो किराया भी लगेगा और ख़र्चा भी होगा, तो आप 250 रुपए लगा लो एक पंखे पे, आपने 250 रुपए मान लीजिए दे दिए, ठीक है। और ग्राहक से आप कितना लोगे, 350 रुपये आपको ग्राहक से कितना मांगोगे, 350 मांगते हो, तो कई ऐसे ग्राहक होते हैं 300 ही देख के जाते हैं, या 350 भी दे गए तो 250 तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए पंखे को बनाने के लिए। और उसमें आपको फिर इसकी जब आप उसमें वार्निश करना है, बेरिंग का ग्रीस करना है और इसकी सेटिंग करनी है, कई बार शाफ्ट भी ख़राब हो जाती है और आप 350 रुपये मांग लेते हो, तो आपको शाफ्ट भी उन्हीं रुपये में करके देना पड़ता है। कई बार बेरिंग भी ऐसा ख़राब हो जाता है कि आपने सिर्फ वाइंडिंग के पैसे मांग लिए और बेरिंग में गड़बड़ हो गई, तो आपको कई बार बेरिंग भी बदलना पड़ सकता है। ऐसे ही कैपेसिटर भी, आपने कैपेसिटर का पैसा आपने नहीं बताया, नहीं चेक किया, बाद में अपनी जेब से ही कैपेसिटर लगा रहे हो, ऐसे में आपको सिर्फ 50 रुपये पंखे में बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब हैंड वाइंडिंग से हाथ से बांधते पंखे को तो कुछ बचत नहीं आ रही है, टाइम का टाइम ख़राब हो रहा है, मार्केट में बंधवा रहे हैं तो भी हमें 50-60 रुपये बच रहे हैं। अब भाई क्या करेंगे, भाई नई मशीन ले ले, सोचते हैं नई मशीन ले ले पैसों का जुगाड़ करके।
अब जो नई मशीन होती हैं, आप बहुत सारे भाई सस्ती मशीन ले आते हैं तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, वो तार तोड़ेगी, उलझाएगी, वो अच्छे से वाइंडिंग नहीं करेगी। मैनुअल मिलेगी आपको सबसे पहले तो डाई मैनुअल होगी, तो गड़बड़ रहेगा मामला, अच्छे से वाइंडिंग नहीं होगी, साफ वाइंडिंग। तो एक बढ़िया मशीन 25 से 30 हज़ार रुपये की आती है, तो इतने रुपए ज़्यादातर भाइयों के पास नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके पास जो जो भाई होते हैं काम कर स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कई लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनके पास ज़्यादातर के पास भाई के पास इतना ही होते हैं कि वायर वगैरह लिया है, टूल वगैरह लिया है, एंड रैक काउंटर कई चीज़ें होती हैं दुकान में शुरू करते वक्त, तो आफत हो जाती है कि मशीन का खर्चा, ठीक है, तो मशीन नहीं ला पाते हैं। अब वो फंस गए हैं कि कैसे वाइंडिंग कराएं, बचत आ ही नहीं रही है, हाथ से बांधने में भी नहीं है, तो कभी तो हाथ से वाइंडिंग करेंगे, कभी मार्केट में भेजेंगे तो ऐसे ही करेंगे, तो उसमें बचत कभी नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, जो नए भाई हैं उन लोगों के लिए है, जिनके पास मशीन नहीं है उन लोगों के लिए है, जिनको बचत नहीं आ पा रही है, आपका मार्केट थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ता है, वहाँ किराया वगैरह ज़्यादा लग जाता है, अब बचत नहीं कर पा रहे हैं और हाथ से आपका इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप हाथ से पंखे को बांधें या वाइंडिंग करें, तो दोस्तों एक घरेलू मशीन बना लो, घरेलू मशीन सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन आप बना लो हाथ से, घर पे खुद बना लो, अपनी शॉप पे बना लो। किस तरह से बनाना है, हमारा एक भाई है उसने बनाया मशीन, तो उसका वीडियो है, कम्प्लीट वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, तो उस लिंक पे क्लिक करके वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है जो कि बहुत ही कम प्राइस में अपनी शॉप पे या घर पे आप बना सकते हो, और देसी जुगाड़ होता है, या यूट्यूब पे भी आप सर्च करके देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन आप बना लो, तो उससे आपका क्या होगा कि कुछ ही पैसे में वो बन जाएगी और आपका मार्केट जाने का जो खर्चा है वो हट जाएगा, और हैंड वाइंडिंग की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस यही सूचना आपको देना चाहता था। तो YouTube पे बहुत तरह की भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं जो वाइंडिंग मशीन बनाते हैं, तो आप YouTube पे जब सर्च करेंगे ना हाउ टू मेक सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन, तो काफ़ी सारी वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाती हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, ओके, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, तो इससे ये है फ़ायदा होगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो जो भाई हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, नया नया काम स्टार्ट किया है और तो मशीन नहीं है, तो आप घरेलू जुगाड़ बना करके ट्राई करें, तो इससे क्या होगा कि आपको सीखने को भी अच्छा मिलेगा और आप अपना काम भी चला सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी हम कुछ तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए कुछ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ बस यही सूचना देने की थी, आज की वीडियो में इतना ही।